गरीब का साल भर का रोजा मिलकर इफ्तार करवाए, तकसीम रहमत रमजान राशन प्रोग्राम। तो फमन शहद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, जिसको रमजान मिले वो रोजा रखे। तो रोजा तो इंशाल्लाह रखेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी एक गुजारिश करूंगा कि जिस्म की सेहत के लिए अपनी ग़िज़ा पे कंट्रोल करें। शायद को ये ना बताए, मैं रमज़ान के आदाब में ये बात बता रहा हूँ। सहरी इतनी दबा के ना खाएं कि असर तक उसी के डकार आते रहें, खट्टे डकार आते रहें, और इफ्तारी इतनी दबा के ना करें कि फिर तरावी के वक्त पढ़ाओ कि हुण मैं किवें पढ़ाऊँ, उठिया ही नहीं जाता, मज बन के डठा पे आंदा। तो सहरी खाएं इतनी कि बस आम मामूल का पेट भर जाए, कुछ हिस्सा खाली हो, और आपको दोपहर से भूख लगनी शुरू हो जाए। जब आपको दोपहर से भूख लगनी शुरू होगी तो आगे 6-7 घंटे का सफ़र है, उसमें पूरी मशीन खाली चलेगी। तो जितने गंदे मादे और फासिद मादे जमा होते हैं वो सारे जल जाते हैं। अच्छा, रमज़ान के दोनों तरफ माने आते हैं, वो मैं बताता हूँ। अभी मैं जिस्मानी बता रहा हूँ। अच्छा, एक और भी बड़ा खूबसूरत रमज़ान का माना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ना कहा करो रमज़ान आ गया और रमज़ान चला गया, कहो रमज़ान का महीना आ गया, रमज़ान का महीना चला गया। चूँकि रमज़ान अल्लाह का नाम है, रमज़ान अल्लाह का नाम है, अल्लाह इसमें अपने बंदों के गुनाहों को जला देता है। तो इसलिए ये तफ़सीर राज़ी की रिवायत बयान कर रहा हूँ, उसकी सेहत और ज़ोफ़ के बारे में मुझे नहीं पता। तो रमज़ान कहते हैं जला देना या जल जाना। तो जब आपका फाका 12 बजे से शुरू हो जाएगा और 6-6:30 बजे तक चलेगा तो आपके जिस्म का एक एक खुलिया गर्म हो जाएगा और उसमें से भाप निकलेगी, और आपके जिस्म की गंदगी पूरे साल की जो जमा है वो जलना शुरू होगी। फिर आप इफ्तारी जब करें तो संभल के करें, ठंडा बर्फ़ से भरा हुआ पानी और रूह अफज़ा और जाम शीरी और दूध सोडा, और उसमें बर्फ़ के इतने बड़े बड़े डले डाल के जब आप पीते हैं तो सारे दिन के रोज़े का जिस्मानी फ़ायदा फौत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। संभल के पानी पिएं और रूम टेम्परेचर का पानी पिएं, उस वक्त मैदा गर्म होता है, उसमें ठंडी बला डालना। और फिर आप उस पर दूसरा जुल्म ये करते हैं कि इतना ठंडा पीने के साथ गरम गरम समोसे खाते हैं, गरम गरम पकोड़े खाते हैं, और कई माशाल्लाह साथ वो पीस को भी मिलाते हैं, कोई चांपे मिलाते हैं, कोई पीस मिलाते हैं। ये इफ्तारी होती है और फिर खाना इसके बाद होता है। तो सादा पानी से रोज़ा इफ्तार करें और मगरिब की नमाज़ के बाद हल्का फुल्का खाना लें, और फिर तरावी का इंतज़ार करें, तरावी पढ़ें, और उसके बाद जिसका ज़ौक़ है ठंडा पानी पीने का वो ठंडा पी ले, गर्म का ज़ौक़ है गर्म पी ले। लेकिन बराए मेहरबानी कई चीज़ों का, अब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। ये हमारी गाड़ियाँ हैं मामूली सी, तो हम इसमें देखते हैं कि अच्छा पेट्रोल कहाँ मिलता है। जिस पेट्रोल पंप का पता चले कि पेट्रोल अच्छा नहीं, हम सुजुकी वाला भी आगे चला जाता है कि वेखो चंगा पेट्रोल की थुलबद है। और जिनके पास महंगी गाड़ियाँ वो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, जो पेट्रोल की सबसे अच्छी किस्म होती है। तो हम अपनी एक छोटी सी गाड़ी, चंद लाख या चंद करोड़ की गाड़ी को अच्छा पेट्रोल देने के लिए कई कई किलोमीटर सफ़र करते हैं कि वहाँ का पेट्रोल पंप अच्छा है। और ये जो गाड़ी है जिसकी आँख का ये अबरू का ये जो पपोटे का बाल है, ये अगर गिर जाए तो सारी दुनिया मिलके नहीं दे सकती।
एक नौखन अगर गिर जाए तो पूरी दुनिया मिलके वो नौखन नहीं दे सकती। कौन चाहता मैं गंजा हो जाऊं? एक बाल गिरता है तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर वो बाल वापस नहीं ला सकते। तो इसको हम गंदी से गंदी चीज़ें खिलाते हैं, कचौरियाँ खा रहे होते हैं, कतलम्मे खा रहे होते हैं कि इफ्तारी हो रही है। तो अल्लाह के वास्ते टोयोटा गाड़ी में साफ पेट्रोल डलवाते हो और उस खूबसूरत गाड़ी में गंद भर देते हो, समोसे और पकौड़े और दूध सोडा और जाम शीरी और रूह अफज़ा और सेवन अप और ठंडे पानी सिकंजबीन और उसके ऊपर फिर मुर्गे के पीस और चांपों के पीस और अभी खाना बाद में खाना होता है। तो मेहरबानी करें, अपने जिस्म की सफाई करें, एतदाल से खाएं, इफ्तारी भी इतनी खाएं कि आपकी भूख बाकी हो, तो आप आराम से तरावियां पढ़ लेंगे। तो तरावी पढ़ें, फिर उसके बाद आप आराम करें, जल्दी से सो जाएं। और बाज़ नौजवान सारी रात जागते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जागें, कोई नफल भी पढ़ लिया करें, कुछ अपनी गपशप भी कर लिया करें, और फिर सहरी ऐसी खाएं कि अब उसमें पराठे पक रहे होते हैं और हर घर से पराठों की खुशबू आ रही होती है, तो फिर पराठों का बोझ अपने ऊपर न डालें, सादा रोटी खा लें, सादा सालन खा लें, तो पूरे महीने में आपके पूरी बॉडी की ओवरऑलिंग हो जाएगी। ये तो जिस्मानी फ़ायदा हो गया। रूहानी लिहाज से क्या है? शाहरो रमज़ान, रमज़ान जल जाना, जला देना, रमज़ान का महीना। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, ये कहा करो, माह रमज़ान आया और माह रमज़ान गया, क्योंकि अल्लाह आने जाने से पाक है, तो अल्लाह का नाम रमज़ान है। ये इमाम राज़ी की रवायत है। तो ये ना भी हो तो रमज़ान में जलने का मतलब क्यों है? इसी महीने के साथ क्यों है कि हर रोज़े के साथ अल्लाह इसके गुनाह माफ़ करता है, इसके गुनाहों को जलाता है, इसकी भूख की आग में जलाता है, जलाता है, जलाता है। आखिरी रोज़े अल्लाह ताला क्या करते हैं कि इसके सारे गुनाहों को जला के राख कर देते हैं और अपनी रहमत। अच्छा, रमज़ान का मतलब बारिश भी है, जो सुभान है, अरबी भी अजीब ज़ुबान है। रमज़ान का मतलब बारिश भी है, रमज़ान का मतलब अगर रमदा मस्दर हो, रमदा, तो ये बारिश का मतलब है, रमदा हो तो ये जलाने का मतलब है। सुभान अल्लाह, कि रमज़ान ऐसा महीना है कि इसमें ऐसी रहमत की बारिश होती है, सारे गुनाह धुल जाते हैं। रमज़ान ऐसा महीना है कि इसमें ऐसी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है कि सारे गुनाह जल के राख हो जाते हैं, हवा में उड़ा दिए जाते हैं राख की तरह। तो ये तब होगा जब हमारा पूरा जिस्म रोज़ा रखे, हमारी आँखें रोज़ा रखें, हमारे कान रोज़ा रखें, हमारी ज़बान रोज़ा रखे, हमारे हाथ रोज़ा रखें, हमारे पाँव, हमारा दिल दिमाग रोज़ा रखे, तो फिर ये रोज़ा, ये रमज़ान बनेगा और हमारे गुनाहों को जला देगा या धो देगा। और इसमें ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब पीने वाला तौबा कर ले, चूँकि शराबी की बख्शिश नहीं होती रमज़ान में। एक होता है दलेर हो के पीना, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये तो सारे पकड़े जाएंगे। एक आदमी मेरे पास आया, वो कहने लगा, जी मुझे शराब की आदत है, छूटती नहीं, कई दफ़ा छोड़ी है, फिर नहीं छूटती। और फिर जो वो धाड़े मार के रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मैं भी गमगीन हो गया उसके रोने को देख कर। इसका मामला और है, तो इस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाएगी, क्योंकि जो तौबा करता रहता है फिर उससे टूट जाती है। वो दिन में 70 दफ़ा भी तोड़ेगा और तौबा करेगा तो अल्लाह के साथ दोस्ती बाकी रहेगी। तो एक शराबी है तो अल्लाह के वास्ते छोड़ दे, माँ बाप को दुख, अक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी नहीं फरमाया, माँ बाप को पुरजे पुरजे कर देना,
नाफरमानी थोड़ी बहुत हर बच्चे से हो जाती है, लेकिन ऐसी नाफरमानी के माँ बाप का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए उसको कहते हैं उकूकुल वालिदैन, आकुल वालिदैन। जो माँ बाप के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दे उसकी भी बख्शिश नहीं होती। तो मुशाहिन, जो दिल में कीना पाल के रखता हो किसी के लिए और बुग़्ज़ रखता हो किसी के लिए, नफ़रत रखता हो किसी के लिए, हसद रखता हो किसी के लिए, एक उस दिल पर अल्लाह की रहमत की नज़र नहीं पड़ती। और एक कातिर रहम, जो रिश्तेदारों से लड़ता हो, रिश्तेदारों से माथा जो मारता हो, कभी सींक फंसाए हैं कभी इसके साथ कभी इसके साथ, खूनी रिश्तों में जो गलत सलूक इख्तियार करता है, एक उसकी ख़ास तौर पे बख्शिश नहीं होती। तो बाकी अल्लाह का दरिया रहमत है, जो भी तौबा करेगा, मुशरिक भी तौबा करेगा माफ़, सूदखोर तौबा करेगा माफ़, चोर तौबा करे, डाकू तौबा करे, जानी तौबा करे, कातिल तौबा करे, शराबी तौबा करे, माँ बाप का नाफरमान तौबा करे, और रिश्तेदारों से लड़ने वाला तौबा करे, नफ़रत रखने वाला तौबा करे, और सूद पे काम करने वाला तौबा करे, सूद खाने वाला तौबा करे, सब माफ़ हो जाएगा, सब माफ़ हो जाएगा। और अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला इसमें हमारी जिस्मानी सेहत भी बहाल कर दे और रूहानी सेहत भी बहाल कर दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप चाहते हैं अपने और अपने प्यारों के लिए नेकी का कभी ना रुकने वाला सिलसिला? तो मदद करें बेहतरीन सदके से और दीजिए पानी का तोहफा उनको जो इस नेमत से महरूम है। अपने सदकात और अतियात MTJ फाउंडेशन तक पहुंचाएं।